देखो हादिया, अम्मा जी ने मना किया था कि ये बात किसी को पता ना चले, खास तौर से तुम्हें। मगर मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए तुम्हारे मामू और नानी को बगैर बताए मैं यहाँ आ गई। हादिया बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि कैंसर का इलाज कितना महंगा है, और अभी तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर बताया है। अब प्राइवेट अस्पताल से कराने पड़ेंगे, और वो टेस्ट कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब इतना पैसा तो ना तुम्हारे मामू के पास है ना मेरे, मेरे पास तो जेवर भी नहीं है कि मैं उन्हें बेचकर अम्मा जी का इलाज करा देती। भला उनकी जान से बढ़कर कुछ थोड़ी है हमारे लिए। आदिया, क्या हुआ, अपसेट लग रही हो? नहीं, तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। ओके, मैं ऊपर कमरे में ही हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना।